बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू मरियम किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी खैरियत से हूँ। इस वक्त थोड़ी सी बिज़ी हुई हुई हूँ क्योंकि आज मैंने सोचा कि मज़ेदार किस्म की क्विक सी रेसिपी लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे बनानी है जल्दी से अपनी ये चिकन कढ़ाई और बहुत जल्दी बनानी है, तो सिर्फ 15 मिनट्स के अंदर अंदर ये बन जाएगी। तो इसी वजह से मैंने कहा कि मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूं। जो औरतें जो होती हैं घरों में, जिनको जो है जल्दी जल्दी खाना बनाना होता है, तो जो है घर में जल्दी कढ़ाई बनाने का शौक होता है, वो जो है मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें और इसको देखें और बनाएं। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया है, हाफ कप। मैं ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करी, कढ़ाई में अमूमन ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर मेरे पास चिकन है जो कि मैं डालूँगी। सो सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और हम लोग जो हैं यहाँ पर ना चिकन डालने लगे। ठीक है, ये चली गई हमारी माशाल्लाह से चिकन कढ़ाई में। एक चिकन लिए मैंने, तो यहाँ पर जो है गाइस ये देखिए कढ़ाई में ये डल गई है। आँच मेरी जो है थोड़ी तेज है, ठीक है, थोड़ी मैं हल्की कर रही हूँ और मैं आपको बताती हूँ उसके बाद हमें स्टेप क्या करना है कढ़ाई में चिकन डालने के बाद। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ मसाले हैं जो कि मैं आज आपको कढ़ाई बनाना सिखा रही हूँ, सिर्फ सिंपल तीन मसालों से, बहुत ही ईजी और सिंपल है। यहाँ पर मैंने लिया है अदरक लहसुन जो कि अमूमन हर रेसिपी में डलता है। ठीक है, जो मेन मसाले हैं वो हैं ये लाल मिर्चें, हल्दी, नमक और ये थोड़ा सा मेरे पास जो है मसाला था, मैंने होममेड बनाया हुआ है चिकन मसाला, तो यहाँ पर मैंने ये लिया है 1 टेबल स्पून। ये ऑप्शनल है, अगर नहीं डालना तो आप इन तीन चीज़ों से आप अपनी कढ़ाई बेस्ट बना सकते हैं, बेस्ट। ज़रूरत नहीं है इस मसाले की, इट्स जस्ट ऑप्शनल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिए लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक जो है टेस्ट के मुताबिक, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून और लहसुन का भी पेस्ट जो है वो 1 टेबल स्पून, दोनों का 1 टेबल स्पून जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चिकन जो है ना सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें अदरक। ठीक है, मैं सॉरी अदरक नहीं, लहसुन डाल के भूनूँगी, अदरक मैं डालूँगी बाद में। तो यहाँ पर चला गया ये लहसुन। तो लहसुन डालने के बाद गाइस हम लोग इसको 3 मिनट तक जो है भूनेंगे। ठीक है, सिर्फ 3 मिनट तक आप इसको भूनें। चिकन जो है बहुत जल्दी क्विकली पक जाती है, 5 से 10 मिनट में चिकन तैयार हो जाती है, गल के इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसको भूनने के बाद लहसुन को 3 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस यहाँ पर ना जब लहसुन आप थोड़ा सा भून लेना, साथ में उसके दौरान आप ये नमक ज़रूर ऐड करें, वो इस वजह से क्योंकि नमक जब आप ऐड करते हैं ना तो चिकन के अंदर तक टेस्ट जाता है। ठीक है, तो हमें ना जब चिकन हम कढ़ाई खाते हैं तो अंदर तक जब टेस्ट जाता है तो फिर मज़ा आता है चिकन का, तो आप नमक उसके बाद जो है इसमें ऐड कर दें और इसको 2 मिनट तक भूने अच्छे से। ठीक है, तो मैं आपको 2 मिनट के बाद मिलती हूँ। तो गाइस इस पॉइंट पे यहाँ पर जारी है ये लाल मिर्चों का पाउडर, ठीक है जी, जो मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। उस पॉइंट पर जारी है हल्दी जो मैंने ली है 1/2 टीस्पून, ठीक है जी, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद साथ ही हम इसमें डाल देंगे अदरक। इस पॉइंट पे आपने डालना है इसमें अदरक, ठीक है, ये यहाँ पर जा रहा है अदरक। अदरक हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि बीच में डालूँ क्योंकि उसका जो फ्लेवर है ना बहुत ही मज़ेदार किस्म का आता है, तो आप लोग भी अगर बीच में डालेंगे ना आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, कोशिश करिएगा। तो इसको मैं भूनूँगी 2 से 3 मिनट। जी देखिए गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर जो हमारे पास टमाटर रखे हुए, ये हम ऐड करने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर ये सारे मैं टमाटर डाल रही हूँ इसमें, जो कि बहुत गंदा तरीके से मैंने डाले हैं, जिन्हें इसके ऊपर छींटे नहीं हैं। तो अब मैं इसको अच्छे से ये क्या करूँगी, थोड़ा मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद ढक्कन डाल दूँगी। टमाटरों के ना ये जो नज़र आ रहे हैं ना ये स्किन, ये हमने हटा दी है, तो इसको 2 मिनट के बाद जो है ना इंशाल्लाह ताला ये भाप में जो है गल के निकल जाएगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ आफ्टर 2 मिनट के बाद। ठीक है, टमाटरों को ना हम लोगों ने क्या करना है, पानी सुखाना है, तो पानी भी हम 2 से 3 मिनट में आराम से हम सुखा लेंगे। आँच याद रखें अपनी तेज़ रखें और इंशाल्लाह ताला 2 से 3 मिनट में आप लोग देखिएगा ये पानी ड्राई हो जाएगा। उसके बाद वाला स्टेप मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करूँ। ठीक है जी, 2 से 3 मिनट में हमारी कढ़ाई हो जाएगी रेडी। यहाँ पर कढ़ाई माशाल्लाह से बिल्कुल डन हो चुकी है, थोड़ी सी मैंने इसमें हरी मिर्ची शामिल करी है और ये आपकी अपनी मर्जी, आप लोग करें कि ना करें ये आपके ऊपर है। और मैं क्या करूँगी, मैं अपनी ये हांडी जो है ना इसको करूँगी थोड़ा सा गर्म और उसके बाद मैं डालूँगी अपनी हांडी में अपनी कढ़ाई, तो और मज़े की बनती है और अच्छा आता है। इसको थोड़ा सा मैं चम्मच चलाऊँगी। सो ये मेरा, मुझे अच्छा लगता है हांडी में कढ़ाई को खाना और सब लोग मिलके खाएं तो बहुत ही मज़ा आता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला। अल्हम्दुलिल्लाह से कढ़ाई होगी रेडी। इस पॉइंट पे ना गाइस मैं डालने वाली हूँ इसमें थोड़ा सा ये लेमन जूस,
स्क्वीज़ करके, ज़्यादा नहीं डालूंगी जस्ट फॉर एक अच्छा टेक्सचर आता है लेमन अगर आप डालें। थोड़ी सी हम ऊपर से जो है ये हरी मिर्चें गार्निशिंग करेंगे इसमें, ये थोड़ी सी मैंने काट के रखी हुई थी, अच्छी लगती हैं, ठीक है। और ये डालेंगे हम हरा धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर चली गई ये अदरक, तो हमारी कढ़ाई हो गई है बिल्कुल रेडी गाइस। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। 15 मिनट के अंदर अंदर ये कढ़ाई तैयार हुई है, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोग नाउम्मीद नहीं होंगे। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और प्लीज़ ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, ज़रूर ट्राई करिएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे मुझसे आप शेयर करें, कढ़ाई जब भी बनाएं मेरे सब पिक्चर शेयर कर सकते हैं आप लोग। इसी के साथ ही चीज़ ज़्यादा दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफ़िज़।